Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Saja Saleem. In this video, we will discuss rule number one of noun correction. Our first rule is plural only nouns. That's the topic we will discuss today. Some nouns are always used in plural form. Kuch noun hamesha jama halat mein istemal hote hain. यानी इन नाउंस के साथ हमें हर सूरत में एस या ई एस का इजाफा करना होगा. अगर हम इन नाउंस के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते तो ऐसी सूरत में ये नाउंस गलत हो जाएंगे. दीज नाउंस डू नॉट हैव सिंगुलर फॉर्म एंड आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज प्लूरल ओनली नाउंस. ये नाउन वाहिद हालत में इस्तेमाल नहीं हो सकते. इन नाउंस के साथ हमें हर सूरत में एस या ई एस का इजाफा करना होगा. अगर हम इन नाउंस के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में ये नाउंस गलत होंगे और इन्हें आम तौर पर प्लूरल ओनली नाउंस के तौर पर बयान किया जाता है. वी ऑलवेज यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब with them. Plural helping verb कौन कौन से हैं? Are, were, have. We use plural verb with them. अगर present sentence हो ऐसी सूरत में हमने इनके साथ plural verb इस्तेमाल करना है. यानी अगर हम verb के साथ s या es का इजाफा कर देंगे तो ये singular verb होगा. लेकिन अगर singular verb एस या ई एस के साथ है तो प्लूरल वर्ब एस या ई एस के बगैर होगा. वी यूज प्लूरल प्रोनाउंस विद देम. इनके साथ प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं. वी डू नॉट यूज देम विद नंबर्स. इन्हें नंबर्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता. काउंटिंग के साथ, काउंटिंग यानी 1, 2, 3 वगैरह के साथ इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें जहन में रखना ज़रूरी है. फर्स्ट, इनको वाहिद हालत में इस्तेमाल नहीं किया जाता. ये लाजमी तौर पर एस या ई एस के साथ होंगे. इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, वर, हैव इस्तेमाल किए जाते हैं. प्रेजेंट सेंटेंस में इनके साथ प्लूरल वर्ब यानी वर्ब एस या ई एस के बगैर इस्तेमाल किया जाएगा. इनके साथ प्लूरल प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं और हम इन्हें नंबर्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. वो नाउंस जो दो हिस्सों की सूरत में होते हैं. सबसे पहले हम क्लॉथिंग का जिक्र करते हैं. अगर हम सिर्फ ट्राउज़र कहेंगे तो गलत होगा. वर्ड ट्राउज़र्स होता है ना कि ट्राउज़र. अगर हम सिर्फ ट्राउज़र कहेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. हमें पूरा वर्ड ट्राउज़र्स कहना पड़ेगा. वर्ड जीन्स होता है. अगर हम इसे सिर्फ जीन कहेंगे तो गलत होगा. जीन्स. पैंट्स. अगर हम इसे पैंट कहेंगे तो गलत होगा. पैंट्स. शॉर्ट्स. अगर हम इसे जस्ट शॉर्ट कहेंगे तो गलत होगा. शॉर्ट्स. पजामास. अगर हम इसे पजामा कहेंगे, उर्दू में कह सकते हैं लेकिन इंग्लिश में पजामास. नेक्स्ट हम टूल्स का जिक्र करते हैं. सीजर्स. सीजर्स से मुराद कैंची. सीजर्स के साथ हमेशा ऐसे यूज होगा. अगर हम इसे जस्ट सीजर कहेंगे तो गलत होगा. सीजर्स. प्लायर्स. प्लास. अगर हम इसे जस्ट प्लायर कहेंगे गलत होगा. प्लायर्स. स्पेक्टिकल्स. अगर हम इसे जस्ट स्पेक्टिकल कहेंगे गलत होगा. स्पेक्टिकल्स से मुराद ग्लासेस, ऐनक. स्पेक्टिकल्स. हेडफोन्स. अगर हम इसे हेडफोन कहेंगे गलत होगा. हेडफोन्स. टोंग्स. चिमटा. अगर हम इसे जस्ट टोंग कहेंगे गलत होगा.
टोंग्स, ट्विजर्स, अगर हम इसे ट्विजर कहेंगे गलत होगा, ट्विजर्स, सनग्लासेस, अगर हम इसे जस्ट सनग्लास कहेंगे गलत होगा, सनग्लासेस, गॉगल्स, अगर हम इसे जस्ट गॉगल कहेंगे गलत होगा, गॉगल्स, ग्लासेस, ऐनक, अगर हम इसे जस्ट ग्लास कहेंगे गलत होगा, ग्लासेस। अब हम कुछ मजीद नाउंस को देखते हैं जो लाजमी तौर पर एस के साथ इस्तेमाल होते हैं। अर्निंग्स, अगर हम इसे सिर्फ अर्निंग कहेंगे गलत होगा, अर्निंग्स, बिलोंगिंग्स, कांग्रेचुलेशंस, अगर हम इसे जस्ट कांग्रेचुलेशन कहेंगे गलत होगा, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स, आउटस्कर्ट्स, आउटर एच को कहा जाता है, बैरूनी की हिस्सा, बैरूनी किनारा, आउटस्कर्ट्स, प्रेमिसेस, सराउंडिंग्स, सेविंग कहेंगे गलत होगा, सेविंग्स द करेक्ट वर्ड, सेविंग्स, गुड्स, अशिया, एसेट्स, असासाजात, वुड्स, जंगल को कहा जाता है, रिमेन्स, आसार को कहा जाता है, डैमेजेस, नुकसान का हर्जाना, तलाफी, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, रोइंस, खंडरात, ट्रप्स, आर्म्स, खैरात, हेडक्वार्टर्स, अगर हम इसे जस्ट हेडक्वार्टर कहेंगे गलत होगा, हेडक्वार्टर्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। दिस सीजर इज फॉर कटिंग पेपर्स, इसमें इस सेंटेंस में थ्री मिस्टेक्स हैं। फर्स्ट मिस्टेक प्रोनाउन की, सेकंड मिस्टेक नाउन की, थर्ड मिस्टेक हेल्पिंग वर्ब की। दिस की जगह दीज इस्तेमाल होगा, सीजर की जगह सीजर्स इस्तेमाल होगा, और इसकी जगह आर इस्तेमाल होगा। दीज सीजर्स आर फॉर कटिंग पेपर्स। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, दीज सीजर्स आर फॉर कटिंग पेपर्स। माई डॉक्टर्स से दैट आई हैव टू वेयर न्यू ग्लास, नॉट न्यू ग्लास, ग्लासेस। माई डॉक्टर्स से दैट आई हैव टू वेयर न्यू ग्लासेस। कैन यू हैंड मी द प्लायर प्लीज, प्लायर नहीं होता वर्ड, वर्ड है प्लायर्स। कैन यू हैंड मी द प्लायर्स प्लीज। ही स्पेंड फ्रॉम हिज सेविंग, वर्ड सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है। ही स्पेंड फ्रॉम हिज सेविंग्स। He lost his belonging, belonging नहीं, belongings. He lost his belongings. He paid damage for the loss. Damage नुकसान का हर्जाना, damages इस्तेमाल होगा। He paid damages for the loss. आम, आम की जगह आर्म्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, क्योंकि इनके साथ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने इसकी जगह आर इस्तेमाल किया, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर।